वेलकम दोस्तों, मैं अरुण आहूजा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ टेक्सला एजुकेट सोसाइटी, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता जी, जो कि हमारे टैक्सेशन के अंदर चाणक्य की पोजीशन रखते हैं, उनसे आज हम यूनियन बजट 2019 जो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर रवि गुप्ता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर रवि गुप्ता जी, आप क्या रेटिंग देते हैं इस बजट को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस में जितनी एक्सपेक्टेशन लोगों की है, उसके हिसाब से ये बजट को मैं कम से कम 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। इसमें बजट में हर किस्म के, हर सेक्टर के लोगों के लिए बेनिफिट्स दिए गए हैं। डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए। बजट में टैक्स के रेट्स, बेसिक एग्जेम्पशन के बारे में आपका व्यू पॉइंट? देखो अभी, इसमें जो बेनिफिट हमने देना था वो एक इंटरिम बजट में ऑलरेडी दे दिया गया था। 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले को आज की डेट में कोई भी टैक्स नहीं देना है, ये प्रोविजन हमारे इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ऑलरेडी आ चुका है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने रेट्स ऑफ टैक्स में ज़्यादा बदलाव नहीं करे हैं। इनफैक्ट इंडिविजुअल्स के लिए सरचार्ज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है फॉर वेरी हायर क्लास पीपल। पहले सरचार्ज इंडिविजुअल्स के लिए दो कैटेगरी में होता था, 50 लाख से 1 लाख, 1 करोड़ तक की इनकम के लिए सरचार्ज 10% था और 1 करोड़ से ऊपर 15% था। अब इसकी 4 कैटेगरीज बना दी गई। पहली कैटेगरी वही है, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के इनकम वालों के लिए अब सरचार्ज 25% होगा, और 5 करोड़ से ऊपर जिनकी इनकम है उनके लिए सरचार्ज अब 37% कर दिया गया है। तो इस तरीके से बहुत हायर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन टैक्स का पड़ेगा। करस्पॉन्डिंगली कॉरपोरेट टैक्स, जो 25% का एक टैक्स रेट था फॉर कंपनीज, वो कंपनीज की टर्नओवर पहले 250 करोड़ रुपये तक की कंपनीज को वो बेनिफिट मिलता था। अब ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया गया है टू ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर अप टू 400 करोड़ रुपीज। एंड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें हमारी 99.7% कंपनीज कवर हो जाती, यानी इंडिया की 99.7% कंपनीज अब सिर्फ 25% टैक्स ही देगी। ये हमारा टैक्स रेट्स में चेंज हुआ है। सर, अब कुछ आप जो नई डिडक्शंस आई हैं जिसके बारे में 80EE एंड 80EB, उसके बारे में आप प्लीज़। देखिए, ये दो डिडक्शंस फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करी हैं। पहली डिडक्शन, जैसे आपने बताया, 80EE, ये एक हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए है, फॉर जनरली फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग। एक एडिशनल बेनिफिट SSC को दिया गया है और ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए है जिनके पास कोई मकान अभी तक नहीं है और जो एक मकान खरीदना चाहते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है, प्रोवाइडेड 2-3 उसमें कंडीशंस दी गई हैं। दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस शुड नॉट एक्सीड 45 लाख रुपीज। लोन शुड बी टेकन बिटवीन 1 अप्रैल 2009 एंड 31 मार्च 2020, 19 से 20 के बीच में लोन लेना चाहिए, और SSC के पास एक मकान के अलावा दूसरा मकान नहीं होना चाहिए। लोन जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके इंटरेस्ट के लिए एक सेपरेट डिडक्शन आपको मिल सकती है 1.5 लाख। इससे एक हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगी, एक लो क्लास हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सेक्टर जो है उसको बूस्ट मिलेगी, और जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हर एक के लिए मकान, उस दिशा में ये एक अच्छा कदम है, और इससे बेनिफिट मिलेगा जो भी मकान, सस्ते मकान खरीदना चाहते हैं। दूसरी डायरेक्शन जो आपने जिक्र करी 80EE की, ये जो आजकल मूव चल रही है टुवर्ड्स अ क्लीनर एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। तो ये भी एक इंसेंटिव दिया गया है फॉर पीपल टू परचेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं बिटवीन 2019 टू 2023, चार साल का विंडो दिया गया है, इन चार साल में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे और उसके लिए खरीदने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देंगे उसकी 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको अलग से दी जाएगी। सो दिस इज अगेन एन इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच विल हेल्प इन क्लीनर एनवायरनमेंट। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ भी हो सकता है, इवन कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, स्कूटर हो सकता है। इसमें अरुण जी कुछ भी डिफाइन ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट शुड बी एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड वन इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको ये इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। सर एक हम डिडक्शन की एक टैक्सेबिलिटी किया है रेजिडेंट्स को, नॉन रेजिडेंट्स और जो पर्सन आउटसाइड इंडिया, जिसके ऊपर पूरा सेक्शन 9 के बारे में जिक्र होता है, क्योंकि पहले भी एक आ रहा था कि लोग बाहर जाके गिफ्ट्स कर देते थे और वो टैक्सेबिलिटी नहीं। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेकंड जी, ये सेक्शन 9 में जो चेंज किया गया है, दिस हैज रेलेवेंस विद सेक्शन 56-10। 56-10 अब ये प्रोवाइड करता है, वेयर एनी पर्सन gifts any sum of money or any immovable property to any other person, it is deemed to be the income of the recipient. ये tax लगता है recipient के हाथ में, donor के हाथ में, जिसको gift मिलता है उसके हाथ में income मिलती है। एक controversy ये चल रही थी कि अगर एक resident non-resident को gift देता है तो non-resident ये claim करता है कि मेरी income तो ये India से बाहर हुई है, मुझे gift बाहर मिला है, तो therefore it is not my income earned in India, इसलिए इस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। उस पोजीशन को अब सेक्शन 9 के अमेंडमेंट के थ्रू क्लेरिफाई करा गया। अब सेक्शन 9 में अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन डाल दिया कि एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रेफर टू इन सेक्शन 56-10 विच इज गिवन बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू ए पर्सन आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन इंडिया। मतलब इसमें नॉन रेजिडेंट नहीं, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया है। अगर कोई इंडियन इंडिया का रेजिडेंट बाहर जाके इंडियन रेजिडेंट को ही गिफ्ट दे तो भी इसमें कवर हो जाएगा, तो भी इसमें कवर हो। और अगर नॉन रेजिडेंट को देता है तो भी कवर हो जाएगा। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया तब ये प्रोविजन लग जाएगा। और अगर सम ऑफ मनी है, कोई पैसा दिया, कोई ज्वेलरी दी, उस केस में दिस प्रोविजन बी एप्लीकेबल वेयर एवर इट इज गिवन बाय अ रेजिडेंट टू एनी पर्सन आउटसाइड। मनी की जो डेफिनेशन में आता है। सर एक चेंज आया है 139 सेक्शन में, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बारे में, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट लग रहा है कि लॉन्ग रन में इम्पैक्ट होगा उसको। देखिए इसमें ऐसा ऑब्जर्व करा जा रहा था बहुत दिनों से कि बहुत सारे लोग रिटर्न नहीं भरते और ऑन दी अदर हैंड उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट हैं दैट इट डज नॉट जस्टिफाई कि उनके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है ना। लोग खर्चा करने के लिए पैसा आ जाता है, टैक्स देने के लिए कहते हैं मेरी इनकम नहीं है। तो उन प्रोविजंस को हमने क्लब करा इसमें। अब इसमें दो किस्म की अमेंडमेंट करी गई, एक तो जो कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन लेते हैं, तो हमने ये देखा है कि प्रोविजन 139 कहता है कि इफ़ यू हैव इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स यू आर लाइव टू फाइल अ रिटर्न। अब चार्जेबल टू टैक्स की जब इनकम निकालते हैं उसमें अभी तक अगर एक एसएससी ने कोई कैपिटल एसेट बेचा और उसकी एग्जेम्पशन ले लेता है वो 54B वगैरह में, तो उसको एग्जेम्पशन के बाद जो इनकम बचती है उसको अपनी इनकम में इंक्लूड कर। अब इसमें एक प्रोविजन डाल दिया कि इनकम शैल बी कंप्यूटेड बिफोर अलाउिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो यानी क्रॉस कैपिटल गेन उसको इंक्लूड करना पड़ेगा टू सी वेदर ही इज लाइक टू फाइल द रिटर्न ऑन नॉट। सेकेंड इसमें कर दिया कि इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर सर्टेन पर्संस टू फाइल अ रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ देयर इनकम। इसमें दो तीन कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड करा। कोई भी एसएससी जो अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कैश डिपॉजिट करता है, एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट चाहे चेक से भी जमा करा हो, अगर 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स बैंक में हैं
तो ही हैज टू फाइल द रिटर्न. सेकंड कैटेगरी ड्यूरिंग द ईयर. हाँ ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ रुपए. अगर 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा है, चाहे उसने कोई एसेट बेच के जमा करा, चाहे उसने 5-5 लाख करके दिया, फिर निकालता भी रहा है, तब भी डिपॉजिट को देखा जाएगा कि 1 करोड़. हाँ चाहे उसकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कम बनती हो, बट ही विल हैव टू फाइल द रिटर्न 1 करोड़ रुपए जिसने भी बैंक में डिपॉजिट करा. दूसरी कैटेगरी इसमें है एनी पर्सन हु मेक्स अ फॉरेन विजिट ड्यूरिंग द ईयर एंड स्पेंड्स मोर देन 2 लाख रुपीज ऑन द फॉरेन विजिट. अगर एक आदमी फॉरेन विजिट अफोर्ड कर सकता है, 2 लाख रुपए फॉरेन विजिट पे खर्च कर सकता है, तो क्या संभावना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए भी नहीं होगी. तो इसलिए दिस केस नीड्स टू बी वेरीफाइड. तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी रिटर्न मैंडेटरी फाइल हो. और तीसरी कैटेगरी लोग हैं जिसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख रुपीज और मोर. तो जो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी के आइटम पर 1 लाख रुपए साल में खर्च कर सकता है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खर्चा खूब सारा करते हैं बट रिटर्न नहीं फाइल करते. तो ये उन लोगों को टैक्स बेस वाइड करने के लिए, टैक्स इवेजन बचाने के लिए ये प्रोविजन इंसर्ट करेंगे. सर एक सेक्शन आया 194N, दैट इज कैश विड्रॉल का, जो कि 1 करोड़ का, तो उसके बारे में कुछ. सर अगेन ये एक एम्फेसिस है, प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन था दैट वी शुड डेवलप ए सोसाइटी विच इज़ अ कैशलेस और अ लेस कैश सोसाइटी. तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो मिनिमम लेवल पे आ जाए. तो इसमें एक प्रोविजन ये इंसर्ट करा गया कि अगर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज मोर, देन देर विल बी प्रोविजन ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 5%. तो ये भी एक प्रोविजन उसी लाइन में है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम मूव करना चाहते. सर TDS का एक और प्रोविजन आया 194M, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज. देखिए अभी तक प्रोविजन लगता है वेयर एनी पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर और टू अ प्रोफेशनल ऑफ अ सर्टन अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट गई है उसके ऊपर जो भी अमाउंट पे करते हैं तो आपको TDS काटना. हाउएवर एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जिसके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने, जो बिजनेस नहीं कैरी ऑन करता, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स. सिमिलरली वेयर एवर अ पेमेंट इज मेड फॉर पर्सनल पर्पसेस, अगर मैंने एक पर्सनल हाउस कंस्ट्रक्ट करा या एक पर्सनल मेरा कोई केस है उसके लिए मैंने किसी एडवोकेट को फीस पे करी, तो उसमें मेरे को TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब TDS का कंप्लायंस करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है रिगार्डिंग टैक्स, रिगार्डिंग पेमेंट्स मेड टू पर्सन, जिससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ता है, तो अब हमने ये प्रोविजन डाल दिया इसमें कि इफ एन इंडिविजुअल मेक्स अ पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर और टू ए प्रोफेशनल, 194C और 194J अप्लाई कर दिया दोनों में, इवन फॉर पर्सनल पर्पसेस ही विल हैव टू डिडक्ट टैक्स ऑफ 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट प्रोवाइडेड द पेमेंट एक्सीड्स ₹50 लाख इन अ ईयर. तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, चाहे वो पर्सनल मकान बनाने के लिए करते हैं, 50 लाख से ऊपर अगर पेमेंट होती है तो उसके ऊपर आपको 5% टैक्स काटना है. हाउएवर टू मेक इट सिंपल फॉर द पर्सन मेकिंग द पेमेंट, उसको टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो टैक्स काटेगा और अपने परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पर ही वो टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है, वो टैक्स डिपॉजिट कर सकता है. सर जैसे आप 194IA में अभी प्रोविज़न है ऑलरेडी कि आपको टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज में टैक्स को डिडक्ट करना है, तो अब वो सब पेमेंट पे लागू कर देंगे. हाँ देखो अभी उसमें ऐसा है कि 194IA में प्रोविजन स्ट्रिक्टली कहता है दैट वेयर एवर एनी पेमेंट इज मेड फॉर ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आपको 1% TDS काटना है. अब लोग फिर इसको पेमेंट जो कंसिडरेशन देते हैं फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको ट्राई करते हैं, उसको कोशिश करते हैं उसको ब्रेकअप करने, क्लब फीस अलग कर दी, पार्किंग चार्जेस अलग कर दिए, इस किस्म के बहुत सारे एमिनिटीज के चार्जेस को वो अलग कर देते हैं विच इज़ नॉट कंसिडर टू बी सेल कंसिडर ऑफ द प्रॉपर्टी. और उसकी वजह से कई बार TDS नहीं काटते हैं या TDS काटते हैं तो एक लोअर अमाउंट पर काटते हैं. तो ये क्लेरिफाई करा गया है सिर्फ 194IA में
कि ये सारी पेमेंट जितनी भी आप करेंगे, पार्किंग चार्जेस की, क्लब चार्जेस की, ये सारी आपकी सेल कंसेशन में इंक्लूड होंगी और इसके ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सर अब आखिर में कुछ स्टार्टअप्स के डिडक्शंस के बारे में और फिर हम बात करेंगे ई असेसमेंट्स के बारे में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। तो स्टार्टअप्स की जो वैल्यूएशन रूल जिसमें एंजल टैक्स भी बोलते थे, जिसमें एंजल टैक्स के बारे में भी इन्होंने फिर चेंजेस करे हैं और उसको स्टार्टअप्स के लिए जो प्रॉब्लम आती है, पहले जो उनको इंसेंटिव दिया गया था वो स्टार्टअप्स को ये माना गया था कि एटलीस्ट 50% शेयर उनके पास रहने चाहिए, बट बहुत सारे स्टार्टअप्स ये नहीं कर पाते क्योंकि उनको शुरू में ही इक्विटी जो है बाहर देनी पड़ती है, तो वो कंडीशन को उठाकर 25% पर ले आए और उन केसेस में उनको अब ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा स्टार्टअप्स को। और उनके लिए जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के रूल है 56(2)(7)(b) वगैरह में, वो अब उनको नहीं अप्लाई करेंगे, तो ये एक बेनिफिट उनको दिया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 79 में जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, मतलब 11UA वगैरह के जो पहले उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब उन्होंने जो स्कूटनिंग्स में केसेस खुले हुए हैं वो भी उस पे भी, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट विल टेक एन एक्शन ऑन दैट, ओके, तो वो उनको बेनिफिट दिया जाएगा। सर एक ई असेसमेंट के बारे में क्लैरिफाई, जैसे हर बजट में हो रहा है पिछले 2-3 टाइम कि ई असेसमेंट के बारे में बिल्कुल प्योरली उस पर डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बिल्कुल उस पर फर्म है। गवर्नमेंट का एक पूरा एम्फोसिस है ऑन फेसलेस असेसमेंट, ताकि अगर कोई भी जो डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन करनी है उसमें ह्यूमन इंटरफेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं। बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं कि डिपार्टमेंट में मैल प्रैक्टिसेस हैं, डिपार्टमेंट में करप्ट एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक तरीका यही निकलता है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का और एसएससी के बीच में कोई फेस टू फेस रिएक्शन होना नहीं चाहिए, इंटरेक्शन उसमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरी स्कीम बनाई है और उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो चुकी है, जहाँ पर कि जब भी कोई केस वेरिफिकेशन के लिए आएगा, स्क्रूटनी के लिए आएगा, तो असेसी विल रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग द नेम डेजिग्नेशन एक्सेट्रा ऑफ द ऑफिसर हु इज इशूइंग द नोटिस। इसी तरीके से जब असेसी अपना रिप्लाई फाइल करेगा तो देर बी नो ह्यूमन इंटरफेस, वो अपना सारा इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई फाइल करेगा विच विल बी वेरीफाइड बाई द डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। कौन ऑफिशियल वेरीफाई कर रहा है? असेसी डज नॉट नो। असेसिंग ऑफिसर किसका केस देख रहा है? दैट द असेसिंग ऑफिसर। तो इस केस से जब ह्यूमन इंटरफेस एलिमिनेट हो जाएगा तो उससे हमारी जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी और असेसमेंट विल बी डन इन अ मच स्मूदर मैनर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण जी।